हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेकअप लवर 20। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज के समय हर कोई चाहता है कि बिना मेकअप का आपका स्किन ग्लोइंग दिखे, आपका स्किन बिना हाइलाइटर का दिखे कि ग्लो कर रहा है, आपका स्किन हेल्दी हो, हाइड्रेटेड हो, इस तरह का स्किन हर कोई चाहता है। इसके लिए आपको स्किन केयर फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे स्किन केयर सभी लोग फॉलो करते हैं, लेकिन आज मैं जो बताने वाला हूँ काफ़ी हेल्दी, काफ़ी अच्छी स्किन केयर प्रोडक्ट है, जो काफ़ी अच्छा स्किन केयर है। इससे आपका स्किन बिना मेकअप का लगेगा देखने में, आपका ग्लोइंग स्किन, हाइड्रेट स्किन लगेगा, आपके स्किन पर रिंकल वगैरह जो आना हो आ रहा होगा वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। आपका स्किन बिल्कुल हाइड्रेटेड लगेगा, ऐसा लगेगा कि आपका मेकअप के बिना हाइलाइटर का ग्लोइंग बनाएगा। ये लॉरियल पेरिस का हाइड्रोनिक एसिड सीरम और प्रोडक्ट लॉरियल का सारे प्रोडक्ट है। आपके हाइड्रोनिक एसिड वाली है, क्लिंजर है, डे क्रीम है और सीरम है, तो काफ़ी हेल्दी आपकी स्किन को बनाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हाइड्रोनिक एसिड होता है क्या है, ये सभी की स्किन में नेचुरली वो होते हैं। स्किन के जो जो एज बढ़ता है तो वो आपकी स्किन में कम होता जाता है। जैसे 25 की या 30 की बात की, आपकी स्किन में हाइड्रोनिक एसिड जो होता है वो कम होता जाता है, जिससे आपका स्किन का ग्लोइंग स्किन जो होता है, ग्लो स्किन का रिमूव होने, धीरे धीरे कम होने लगता है, आपका स्किन में रिंकल वगैरह आने लगते हैं। तो हाइड्रोनिक एसिड जो इसी होने से रोकता है, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, हेल्दी बनाता है, प्लमी बनाता है आपकी स्किन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर। तो स्टेप वन है ये क्लिंजर। तो लॉरियल पेरिस एसिड का क्लिंजर है ये। आपकी स्किन को थोड़ी सी क्वांटिटी में लेके सर्कुलर मोशन में मसाज करना है फेस और नेक पे। ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं करता है, हाइड्रेट बनाता है, स्मूथ करती है, प्लम करती है। हर स्किन टाइप के लिए ये सूटेबल है, बेस्ट है। ये बेस्ट वाला फेस वॉश है। आपके स्किन के अंदर तक ये क्लीन करता है, आपके पोर्स को बिल्कुल अच्छी तरह से अंदर तक ये क्लीन करता है। मेकअप क्या, मेकअप जब उतारते हो, जब आप मेकअप क्लीन करना रहता है, तो इससे वॉश करने से आपका मेकअप भी बिल्कुल अंदर तक ये आपके पोर्स से बाहर मेकअप को निकाल देता है। काफ़ी अच्छा ये क्लिंजर है, जेल बेस्ड क्लिंजर है ये। यह आपकी स्किन को 2-3 मिनट मसाज करना है, फिर ठंडे पानी से अच्छी तरह से धो लेना है। नेक और फेस दोनों को जगह मसाज करना है और अच्छी तरह से देखिए, एक ही क्लिंजर से देखिए कितना मेरा फेस कितना अच्छा क्लीन दिख रहा है, आप देख ही सकते हो। सेकेंड स्टेप है ये सीरम है। तो ये लॉरियल का है, ये 1.5% हाइड्रोनिक एसिड सीरम। इसे यूज करने का आपका स्किन नेचुरली ग्लो करता है। इसके साथ ये आपके ड्रॉपर भी मिल जाता है इसके साथ आपको, ताकि ये यूज करने में आसानी हो, ट्रैवल मिल जाने में काफ़ी आसानी होता है और थोड़ा भी वेस्ट नहीं होगा ये ड्रॉप होने के कारण। ये USA का नंबर वन प्रोडक्ट है। इंडिया में बहुत लोग बहुत अच्छा यहाँ यूज भी किया जाता है। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट ये सीरम है। ये अंदर तक आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। इसमें 1.5% हाइड्रोनिक एसिड है ये सीरम। थर्ड स्टेप है ये क्रीम है, लॉरियल हाइड्रोजिन एसिड का। ये जेल बेस क्रीम है, डे क्रीम है, तो काफ़ी अच्छा क्रीम है, काफ़ी बहुत ज़्यादा ही अच्छा क्रीम है। ये नॉन स्टिक ये है, आप लाइट वेट क्रीम है ये, काफ़ी अच्छा आपकी स्किन के रिंकल वगैरह को रिमूव करेगा, ये रिंकल को होने से रोकेगा, आपका स्किन जो प्लमिंग करेगा, आपका स्किन हाइड्रेट रहेगा। बहुत ही लाइट वेट ये क्रीम है, ऐसा नहीं लगाने के बाद ऐसा नहीं महसूस होगा आपको चिपचिपा है, और बहुत जल्दी स्किन में ये एब्जॉर्ब हो जाता है, तो काफ़ी अच्छा ये क्रीम है। तो मुझे ये प्रोडक्ट लॉरियल एसिड का, ये हाइड्रोनिक एसिड का, ये स्किन केयर मुझे काफ़ी पसंद है। कुछ दिनों से ये स्किन केयर कर रही है, मुझे स्किन पे पिंपल और दाग धब्बे भी दूर हो गए, काफ़ी अच्छा ये स्किन केयर। तो एक बार आप लोग भी ट्राई कीजिएगा स्किन केयर। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी आप लोग भी स्किन केयर रूटीन को फॉलो करिए, तो काफ़ी अच्छा आप लोग को भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, पसंद प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो।